हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज सेलुलर रेस्पिरेशन के पार्ट टू में हम सीखेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस हमने लेक्चर वन में सीखा था, उस ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके या पार्शियल ऑक्सीडेशन करके हम लोगों ने दो मोल पाइरूविक एसिड के बनाए थे। तो आज हम देखेंगे कि जो पाइरूविक एसिड बना था उस पाइरूविक एसिड के साथ क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द फेट ऑफ पाइरूविक एसिड। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ग्लूकोज था और उस ग्लूकोज के हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करके हमने पाइरूविक एसिड बनाया था, ठीक है। और ये जो पाइरूविक एसिड हम लोगों ने बनाया था, ये अपने पास दो मोल पाइरूविक एसिड बना था। तो आज अपने को ये सीखना है कि ये जो पाइरूविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है, ठीक है, क्योंकि आपने सीखा था कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, इसके दौरान ये जो पाइरूविक एसिड बना है, इस पाइरूविक एसिड का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जो पाइरूविक एसिड आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से बनाया है, इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला तो डिपेंडिंग ऑन द सेल, ठीक है, कि सेल किस तरह का है, पहला कंडीशन तो ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंडीशन, कंडीशन क्या है, यानी कि एरोबिक कंडीशन है या फिर एनएरोबिक कंडीशन है, ठीक है। तो उस बेसिस पर इस पाइरूविक एसिड का हम देखेंगे कि इसका फेट क्या है। फेट का मतलब होता है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जो पाइरूविक एसिड है, पाइरूविक एसिड, इस पाइरूविक एसिड का इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो मैंने बोला एरोबिक कंडीशन हो और दूसरा एन एरोबिक कंडीशन हो, ठीक है। तो जब कभी एरोबिक कंडीशन होता है, दैट मींस एरोबिक कंडीशन है और एरोबिक कंडीशन के साथ साथ अगर यू कैरियोटिक सेल है, तो यू कैरियोटिक सेल है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो क्या करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में इस पाइरूविक एसिड को आप देखेंगे कि इट विल परफॉर्म लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन के बाद इट विल परफॉर्म क्रेब्स साइकिल, और इस दौरान इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो दोनों चीज है, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर एनारोबिक कंडीशन की बात करें, तो एनारोबिक कंडीशन में अगर आपका यूकैरियोटिक सेल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आपका रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, आपके स्केलेटल मसल सेल्स हो गए, स्केलेटल मसल सेल्स हो गए, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि पार्शियल ऑक्सीडेशन से स्केलेटल मसल सेल्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो ये लैक्टिक एसिड बना देते हैं, यानी कि पाइरूविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एनएरोबिक कंडीशन में इसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, किसके पास, पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड एनारोबिक कंडीशन में या तो ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, या तो ये अल्कोहल यानी कि इथेनॉल बना सकता है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड बना सकता है, ठीक है, ये ब्यूटाइलिक एसिड बना सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी बना सकता है, ठीक है। तो देखिए,
इन सब को कलेक्टिवली हम एक टर्म देते हैं और जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो ये चार तरीके के मेनली फर्मेंटेशन आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में जो है लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही दिया हुआ है, ये दोनों नहीं दिए हुए, ठीक है। लेकिन एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाइड के अंदर होता है और इससे आप विनेगर बनाते हैं, ठीक है। ब्यूटाइलिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है उसके अंदर होता है। इथेनॉल जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये आपको कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको ये ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर आप बियर बना सकते हैं, वाइन्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें इस टाइप के फर्मेंटेशन से बनता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अंदर भी होता है और उसके अलावा आपका स्केलेटल स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए पाइरूविक एसिड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप, ठीक है, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आपको शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फर्मेंटेशन पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे और फर्मेंटेशन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली जो पिछले उसमें हमने देखा कि एरोबिक कंडीशन में पाइरूविक एसिड का क्या होगा, ठीक है। तो एरोबिक कंडीशंस में यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ये जो पाइरूविक एसिड है दिस पाइरूविक एसिड विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच करके ये पहले लिंक रिएक्शन परफॉर्म करेगा एंड देन क्रेब्स साइकिल। तो हम इस लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज लिंक रिएक्शन। तो देखिए इस लिंक रिएक्शन के कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि इस लिंक रिएक्शन को हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको कहां पे होता है साइट। तो इट विल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपका पाइरूविक एसिड बना है दैट पाइरूविक एसिड विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और वहां पर ये लिंक रिएक्शन होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा एंड डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इसका नाम जो है हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसलिए हमने इसका नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी रखा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एसिटाइलेशन होता है, कैसे होता है तो अभी देखेंगे कि एसिटाइल ग्रुप जो फॉर्म होता है एसिटिक एसिड एक्चुअली फॉर्म होता है, ठीक है, और उस एसिटिक एसिड का जो एसिटाइल ग्रुप है उसके साथ एक कोएंजाइम ए जुड़ता है, इसीलिए इसको हम एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, What are the requirements of link reaction? तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसके अंदर substrate चाहिए इस reaction का, and that is pyruvic acid, ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर पे enzyme चाहिए,
and that enzymes are, that enzyme is pyruvate dehydrogenase. And third thing which is required are the cofactors. और ये जो cofactors हैं, they are five in number. सबसे पहला जो है, that is NAD+. Second is magnesium ion. Third जो है, वो आपका coenzyme A है. Fourth जो है आपका, वो है TPP. And the fifth is lipoic acid. ठीक है. तो इतनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए. TPP is thymine pyrophosphate. Thymine pyrophosphate. ठीक है. अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये रिएक्शन है क्या, तो देखिए क्या होता है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जो पाइरुविक एसिड बनाया है, पाइरुविक एसिड, उस पाइरुविक एसिड के साथ आप NAD+ एंड प्लस कोएंजाइम A ये आएंगे, इसके साथ आपका जो एंजाइम है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, बाकी फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी. ये क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा है कि पहले तो इसके अंदर एक तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन होगा. ऑक्सीडेशन होगा दैट मींस किसी का रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन करवाने के लिए खुद का NAD+ है, दैट मींस कि NAD+ का रिडक्शन होगा एंड हेंस द पाइरुविक एसिड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. ठीक है, और कोएंजाइम A जो है इसके साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, दैट मींस एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम A विल टेक प्लेस, और उसके अलावा साथ-साथ में डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस CO2 इज रिलीज्ड. तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम A, दैट मींस इट विल फॉर्म एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम A हो जाएगा. उसके अलावा NAD+ का रिडक्शन होगा, दैट मींस NAD+ विल फॉर्म NADH, H+, और उसके साथ साथ आपका क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दैट मींस अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी रिलीज्ड. क्योंकि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने यह बात बहुत गहराई से सीखा था कि जो पाइरुविक एसिड है ये तीन कार्बन का है, तो क्योंकि पाइरुविक एसिड तीन कार्बन का है और एक कार्बन का CO2 निकला है, दैट मींस द एसिटाइल ग्रुप आपको पता ही है वैसे भी कि ये दो कार्बन का होता है, दैट मींस द एसिटाइल कोएंजाइम A व्हिच इज फॉर्म इज ऑफ टू कार्बन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, इस एसिटाइल कोएंजाइम A का क्या होगा, तो इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल. ये क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेगा. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रेब्स साइकिल में इस एसिटाइल कोएंजाइम A का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है. एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पाइरुविक एसिड था ये दो मोल बना है, तो ये भी यहां पर दो बनेगा, ये भी दो बनेगा, एंड दिस विल ऑल्सो बी टू मोल. ठीक है, चलिए तो अब लिंक रिएक्शन अपने को अगर समझ में आया है तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्रेब्स साइकिल. ठीक है, बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की. तो देखिए क्रेब्स साइकिल का नाम सुनते ही थोड़ा सा दिमाग हिलता है कि क्या होगा, कैसे होगा. ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से अपन क्रेब्स साइकिल को समझेंगे और देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में क्या क्या होता है. तो सबसे पहले तो क्रेब्स साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज सी सिक्स साइकिल. ये नाम इसके क्यों पड़े, तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि
क्रेब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको जिसने डिस्कवर किया था हिज नेम वाज हैंस क्रेब। तो क्रेब साइकिल तो इनके डिस्कवरर हैंस क्रेब के नाम के पीछे बोला जाता है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है साइकिल का दैट इज सिट्रिक एसिड। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, और क्योंकि सिट्रिक एसिड है इसीलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। C6 इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है ये 6 कार्बन का होता है, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इस सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में अपने को कुछ इस तरीके से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिस इज नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा था कि जब लिंक रिएक्शन हुआ तो लिंक रिएक्शन में जो अपना पाइरूविक एसिड है वो बन गया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, वो बन गया था एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए दिस विल एंटर इनटू द क्रेब साइकिल, दिस विल एंटर इनटू द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में होगा क्या? तो क्रेब साइकिल में There is complete oxidation of acetyl CoA to release 2 moles of CO। यानी कि अभी acetyl coenzyme A के अंदर जो 2 कार्बन है उसको हम ऑक्सीडेशन करके 2 स्टेप्स में ऑक्सीडेशन करके और क्या करेंगे उसके अंदर जो CO2 है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो यही होता है क्रेब साइकिल के अंदर। अब देखिए कैसे होता है क्रेब साइकिल में क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्रेब साइकिल तो आपका जो है वो स्टार्ट होता है बाय OA। व्हाट इज दिस OA? तो OA इज ऑक्सैलो एसिटिक, OA इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ देर इज अ कंडेंसेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। What is the product of link reaction? So it is acetyl coenzyme A. इस acetyl coenzyme A का condensation होता है in the presence of a third thing and that is of water molecule. ठीक? Oxaloacetic acid, acetyl coenzyme A और water का combine करते हैं यानी कि condense करते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है वो आपका 4 कार्बन का होता है, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिटाइल कोए जो है वो आपका 2 कार्बन का होता है। तो 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए और 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म अ सिट्रिक एसिड, एंड दिस सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इस रिएक्शन को करवाने वाला जो एंजाइम होता है दैट एंजाइम इज सिट्रेट एसिड ये क्योंकि इसका आइसोमर है तो एंजाइम का नाम आइसो मेडेज हो जाएगा, ठीक है। जो एंजाइम आएगा उसका नाम है आइसो मेडेज। आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो क्या होगा? तो आइसोसिट्रिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड टू ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। अभी जो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड है जब ये
आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है तो इट इज फॉर्मड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इस स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मींस कोई ना कोई इनको ऑक्सीडाइज करने वाला होना चाहिए और खुद को रिड्यूस करने वाला। तो आपने पढ़ा है कि जो NAD+ है इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद ये क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो ये सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर, ठीक है, और फिर बन जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड टू और यहां पर आप एंजाइम लिखना चाहें तो एंजाइम आप लिख सकते हैं डी हाइड्रोजेनेस, ठीक है, जो एंजाइम आएगा वो आपका आइसो सिट्रेट डी हाइड्रोजेनेस। अब जो ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना है, दिस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। देखिए अभी तक जो हमने देखा वो क्या देखा कि सिट्रिक एसिड है वो भी 6 कार्बन का है, उसका आइसोमर आइसोसिट्रिक एसिड है, ठीक है, वो भी 6 कार्बन का है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है वो भी 6 कार्बन का है, और जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब क्योंकि 5 कार्बन कंपाउंड है तो यहां पर क्या होगा, तो यह देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, और क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल का रिमूवल है तो जो इस रिएक्शन का नाम है दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, और क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो आप एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज विद सब्सट्रेट लिख सकते हैं, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, डी ऑक्सी। अभी जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना है, इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फिर से जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, दैट मींस इट विल रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड उसके साथ साथ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और उसके साथ साथ आपका जो NAD+ है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू NADH H+, और क्योंकि ये हो रहा है तो इसके दौरान क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, तो उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल आ करके और इससे जुड़ जाता है और बनाता है सक्सिनिक सक्सिनाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है और आप देख रहे हैं कि NADHH का सिंथेसिस हुआ है, तो आप यहां पर एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज यूज कर, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, और साथ में अब बन गया एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट एसिड 5 कार्बन का था, एक CO2 बाहर निकल गया, तो जो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना दैट विल बी ऑफ 4 कार्बन, दैट विल बी ऑफ 4 कार्बन। अभी जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना है इसके अंदर एक ये कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल ट्रैप हुआ है, तो अब क्या होगा कि ये इस कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल को निकालेगा और बनाएगा सक्सिनिक एसिड, बनाएगा सक्सिनिक एसिड, और इस दौरान क्या होता है, तो एक जीडीपी मॉलिक्यूल में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और उससे एक जीटीपी की सिंथेसिस होती है, और इस जीटीपी का क्या होता है, वापस जीडीपी में कन्वर्जन होता है। इस दौरान क्या होता है कि एक एडीपी इधर से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर के और एटीपी में बनता है, क्लियर। और क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है तो आप चाहें तो एंजाइम का नाम सक्सिनाइल काइनेज या सिंपली काइनेज यूज कर सकते, ठीक है, सक्सिनाइल काइनेज, बात समझ में आया। अभी जो सक्सिनिक एसिड बना है, दिस सक्सिनिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारिक एसिड। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट यहां पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज सक्सिनेट डी
हाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया है तो जरूर कुछ होगा, कुछ मतलब लाइक NADH2 और FADH2 का सिंथेसिस। तो यहां पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इस सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज द ओनली एंजाइम व्हिच इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर बाकी का क्या कहानी है? तो जो बाकी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इट इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रियल, आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये एंजाइम उस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। आप देखेंगे जब आपको एक बार ETS पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये एंजाइम वहां पर किस तरीके से लोकेटेड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमारिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस दौरान सक्सिनिल को एंजाइम में चार कार्बन का था, सक्सिनिक एसिड भी आपका चार कार्बन का है एंड द फ्यूमारिक एसिड विल आल्सो बी ऑफ 4 कार्बन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि दिस फ्यूमारिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। जब फ्यूमारिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर जो एंजाइम आता है उस एंजाइम का नाम है फ्यूमारेज, और यहां पर कुछ भी होता है एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर। ठीक, अभी मैलिक एसिड जो बना है आपने C4 साइकिल में भी पढ़ा था कि दिस मैलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सालो एसिटिक एसिड, और इस ऑक्सालो एसिटिक एसिड के कन्वर्जन के दौरान क्या होता है कि यहां पर अगेन NAD+ मॉलिक्यूल changes to NADHH+. That means this step is also an oxidation step. ठीक है, आपको ये arrow पे reduction दिख रहा है लेकिन इस arrow पे oxidation हो रहा है। अपना concern जो है वो है कि malic acid oxaloacetic acid में जब convert हो रहा है तो reaction कैसा है, तो that is oxidation. तो आपने देखा कि oxidation कितने जगहों पर हो रहा है, तो एक यहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है, तीसरा आपका यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और चौथा आपका यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन में चार जगहों पर ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक जगह पर आपको फॉस्फोराइलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि आप सीधा लिख लीजिए SLP। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये SLP हो रहा है, और दो स्टेप्स में आपको डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिला है। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अगेन आपका एंजाइम जो है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इस क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एसिटाइल को एंजाइम में है व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ पाइरूविक एसिड, सॉरी लिंक रिएक्शन, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, वो क्या करता है, कंडेंसेशन करता है, जिस कंडेंसेशन के दौरान वो ऑक्सालो एसिटिक एसिड और वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस क्या करता है, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक एसिड देन आइसोमराइजेस टू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट वैसे तो एक स्टेप और यहां पर होता है, दैट इज कि आइसोसिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेज बनता है और एकोनिटिक एसिड एकोक्सिस एकोनिटिक एसिड बनता है एंड द एंजाइम कम्स इज एकोनिटेज। ठीक है, बट वो मैंने स्किप कर दिया है, वैसे भी इतना भी आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है और भी कम ही लिखा है। ठीक है, तो आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या करता है, NAD+ को NADHH+ बनाते हुए ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उस डीकार्बोक्सिलेशन से जो है वो आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है व्हिच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड,
और क्योंकि अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड 5 कार्बन का है जो कि बना है ऑक्सालोसक्सिलिक एसिड से व्हिच वाज अ 6 कार्बन कंपाउंड, तो इसका मतलब कि यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, CO2 मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ठीक है, उसके बाद अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड जो है आपका वो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लुटारिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्या करता है, एक CO2 निकालता है और साथ-साथ में NAD+ गेट्स कन्वर्टेड टू NADHH+। ठीक है, और साथ-साथ में एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है व्हिच फॉर्म्स सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कोएंजाइम ए अटैच हो गया है, टेंपरेरी अटैचमेंट होता है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, दैट एनर्जी इज क्या करता है वो GDP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ के GTP बनाता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है यहीं पर जो है कपल्ड सिंथेसिस ऑफ ATP होता है, दैट मींस कि जो GTP है वो वापस GDP में कन्वर्ट होगा और उसी दौरान क्या होगा कि ADP इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर के खुद ATP में बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे आंसर क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा तो उसमें GTP भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको ADP भी लिख के मिल सकता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, और इससे क्या होगा कि सक्सिनिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। जो सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू फ्यूमारिक एसिड, और इस दौरान क्या होगा कि अगेन देयर विल बी एन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होगा FAD+ जो है वो FADH2 में बनेगा। ठीक है, और सक्सिनिक एसिड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फ्यूमारिक एसिड एंड द एंजाइम इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। और स्पेशल बात इस एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज का ये है कि दैट दिस इज द ओनली एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल व्हिच इज लोकेटेड इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर, then this fumaric acid in the presence of enzyme fumarase gets converted to malic acid, और malic acid जो है वो oxidize हो करके oxaloacetic acid बनाता है। ठीक है, और oxaloacetic acid क्योंकि oxidation से बनता है तो कोई ना कोई oxidizing agent चाहिए, and that is NAD+, NAD+ को reduce हो करके NADHH+ बनाता है। और क्योंकि आपको पता है कि जो acetyl coenzyme है वो 2 मोल बना था from 2 moles of pyruvic acid, तो ये पूरा का पूरा cycle जो है वो 2 बार चलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइकिल 2 बार चलेगा, कब, जब आप एक ग्लूकोज को एंटर करवाएंगे मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है, और अगर आपने कहीं से एक पाइरूवेट या एक एसिटाइल को एक को ही एंटर करवाया है तो दैट मींस द साइकिल विल रन ओनली वंस। चलिए तो देखते हैं इस साइकिल में क्या क्या अपने को आउटकम्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि स्टेप्स वेयर डीकार्बोक्सिलेशन अकर्ड, कहां पर कितने स्टेप्स पर डीकार्बोक्सिलेशन हुए, तो द आंसर इज कि दो जगहों पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। पहला तो जब आपका ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड जो है वो आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाया था, और दूसरा कब, जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया था। ठीक है, इसीलिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जहां पर क्रेब्स साइकिल की हेडिंग पड़ी है उस पेज में जो तीन लाइनें लिखी हुई है, चार लाइन लिखी है, उसी के लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि देयर आर टू सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि क्योंकि ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड आप देखिए यहां पर ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड आपका बना है, वहां पर CO2 निकलता है, फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड बनता है, अगेन द अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड अंडरगोस अ डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि टू सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर की बात हम ये करेंगे कि स्टेप्स वेयर NADHH+ इज फॉर्म। ठीक है, जहां पर NADHH+ बने। ठीक है, तो कहां कहां बने हैं, कितने स्टेप्स में बने हैं, तो दे आर फाउंड दैट 3 स्टेप्स। कौन कौन से हैं, तो 3 स्टेप्स में बने हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेप हैं, तो एक देखिए जब आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड बनाता है वहां पे बना है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड जब सक्सिनाइल को एंजाइम में बनाता है वहां पे बनता है, तीसरा आपका जब मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सालोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है यहां पर बनता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे देखेंगे कि स्टेप वेयर SLP अकर्स,
जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुए हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पे हुआ है, दैट वाज व्हेन सक्सिनाइलको एंजाइम ए वाज कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइलको एंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो सिर्फ उस स्टेप पर एसएलपी हुआ, ठीक है। और एसएलपी का मतलब कि या तो जीटीपी और या तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। चल उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर पे स्टेप वेयर FADH2 वाज फॉर्म। तो कौन से स्टेप में FADH2 बना था? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में FADH2 बना था, और वो एक स्टेप कौन सा था? जब आपका सक्सिनिक एसिड जो है वो फ्यूमैरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फ्यूमैरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अगेन आई वांट टू रिमाइंड वन थिंग कि इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड था दैट वाज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस एंजाइम इज दैट कि ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मिलता है एंड नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये बात उतर जाए और आप ये गलती ना करें, ठीक है। इसके बारे में एक जगह और एनसीईआरटी में आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंडर उन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी आपके क्रेब्स साइकिल की, यानी कि टोटल NADH2 कितने बने, तो दे आर 3, ठीक है। FADH2 कितने बना, तो दैट इज 1। ATP या फिर GTP कितने बने, तो दैट इज आल्सो 1, ठीक है। तो दिस इज द नेट गेन ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा टोटल CO2 रिलीज्ड, कितने CO2 निकले, तो टोटल 2 मोल्स ऑफ CO2 वाज रिलीज्ड। अब हम वापस चलते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन का जो हमने जनरल रिएक्शन लिखा था उसको लिखते हैं। तो उसमें हमने लिखा था कि ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और 6 मोल्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड प्लस वाटर इज फॉर्म प्लस 36 और 38 ATP इज फॉर्म। तो एक बात तो हम जो अभी वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज कि क्या 6 मोल CO2 रिलीज हुआ है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, एक CO2 इधर है, एक CO2 इधर है, और ये रिएक्शन दो बार है, दैट मींस कि 2 मोल्स एंड 2 मोल्स, यानी कि 4 मोल CO2 तो इधर रिलीज हो गया, ठीक है, 4 मोल CO2 इधर रिलीज हुआ है। और पीछे आपने पढ़ा लिंक रिएक्शन के बारे में, और लिंक रिएक्शन में आपने देखा कि लिंक रिएक्शन में आपका 2 मोल CO2 रिलीज हुआ है, दैट मींस अ टोटल ऑफ 6 moles of CO2 is released, ठीक है। तो ये जो जनरल रिएक्शन हमने लिखा था दैट वॉज कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से 6 moles CO2 रिलीज हुए प्लस वॉटर प्लस 36 या 38, ठीक। तो ये 6 मोल CO2 तो कैसे निकला ये हमने देख लिया, लेकिन इस O2 की बात करें तो देखिए O2 का अभी हमने यूज नहीं देखा, ठीक है। O2 का यूज आप नेक्स्ट लेक्चर में ETS में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस 36 और 38 ATP की जरा बात करते हैं।
तो देखिए अभी तक अपने पास 36 और 38 ATPs तो नहीं बने हैं, बट क्या क्या हमने अभी तक बनाया है नेट पे, क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इस नेट पेन को हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या था, तो वी हैड ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमने पाइरूविक एसिड बनाया, पाइरूविक एसिड से हमने लिंक रिएक्शन करके एसिटाइल को ए बनाया, और इस एसिटाइल को ए से हमने क्रेब साइकिल चलाया, ठीक। इसके अंदर हमने क्या क्या बनाया था, तो इसके अंदर हमने 2 मोल एटीपी के बनाए थे, इसके अलावा हमने 2 मोल NADH2 के बनाए, लिंक रिएक्शन में हमने 1 मोल CO2 का रिलीज, एक क्या आप दो लिख लीजिए बेटर होगा, क्योंकि ये पाइरूविक एसिड जो है वो आपका 2 है, 2 मोल CO2 वाज रिलीज एंड 2 मोल्स ऑफ NADH2 वाज फॉर्म। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल के अंदर जब एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करके क्रेब्स साइकिल में गया, तो इस क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बना, तो 3 × 2 आप सीधा लिखिए 6 मोल्स ऑफ, क्योंकि ये 2 है तो पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल दो बार चलेगा, 6 मोल्स ऑफ NADH2 वाज फॉर्म, 2 मोल्स ऑफ FADH2 वाज फॉर्म, 2 मोल of ATP or GTP was formed and 4 moles CO2 was released। तो यहां से ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें तो अपने को समझ में आएगा कि 2 + 4 ये अपना 6 मोल CO2 बना। एटीपी की बात करें तो टोटल 2 + 2 दैट मींस 4 मोल ATP इज फॉर्म्ड। इसके बाद हम बात करें NADH2 की, तो 2, 2, 4 और 6 10 मोल्स ऑफ NADH2 was formed and lastly 2 moles of FADH2, 2 moles FADH2। अभी देखिए आपको पता होगा कि एक जो NADH2 होता है ये 3 ATP के बराबर होता है, that means 30 ATP is formed from here, और यहां से आपके पास 4 ATP है, ठीक है, and 1 mole of FADH2 forms 2 ATP, that means 2 × 2 that will form 4 ATP, so that means a total of 38 ATP is formed। पर ये NADH2 और FADH2 ATP कैसे बनाते हैं ये बात अपन सीखेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहां पर अपना स्ट्रेस जो है वो इस बात पे है कि जो क्रेब्स साइकिल हमने देखा उस क्रेब्स साइकिल में किस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होकर के किस तरीके से CO2 निकलता है, FADH2, NADH2 और ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा था क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि ऑक्सैलिक एसिड कैसे था अपने पास, इसके साथ अपने पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ आकर के एसिटाइल को ए जुड़ा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी आया, और इस स्टेप को हमने बोला कंडेंसेशन, ठीक है, और कंडेंसेशन करके इन्होंने सिट्रिक एसिड बनाया, सिट्रिक एसिड के बाद हमने देखा कि आइसोसिट्रिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड से हमने देखा कि ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से हमने देखा कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आपका
सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड से आपने फ्यूमैरिक एसिड बनाया, फ्यूमैरिक एसिड से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से वापस ऑक्सालो एसिटिक एसिड। इसको याद करने का एक ट्रिक है, मैंने तो नहीं बनाया है बट है, इट इज कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप चाहे तो इस साइकिल को याद भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक बहुत ज्यादा काम नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप शॉर्ट ट्रिक से काम चला लेंगे, पर वंस यू गोइंग टू द मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ और सिर्फ ये क्रैप साइकिल नहीं होगा, देयर यू हैव टू लर्न हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ साइकिल। तो उन साइकिल्स में फिर आप कौन सी साइकिल के लिए कौन सा ट्रिक है वो बहुत कंफ्यूजन करेगा, तो इट इज बेटर कि अभी से ही आप ये आदत डालें कि आप बेसिक्स के साथ साथ आप अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्न करें तो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स कब फेल कर जाए इनका कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, किसी एक चीज को आपने बीच में मिस किया और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप क्या करें कि हर एक स्टेप में ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है और क्या जब होता है तो क्या बनता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो एक कार्बन नंबर घटता है, ठीक है, और जब डिहाइड्रोजनेशन होता है तो भाई डिहाइड्रोजनेस एंजाइम आ रहा है, दैट मींस कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई रिड्यूस हो रहा होगा, रिड्यूस होने वाला आपको पता है एनएडी प्लस हो सकता है, एफएडी प्लस हो सकता है, ठीक है, इनका रिडक्शन होकर के एनएडीएच2 एफएडीएच2 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहां पर एटीपी जीटीपी सिंथेसिस होता है वहां पर आप काइनेज एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ अगर मेमोराइज करेंगे तो दैट विल हेल्प यू बेटर एज कंपेयर टू दिस शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी सी एनसीईआरटी पे गौर करें, तो एनसीईआरटी देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लिखना, तो क्रैब साइकिल उन्होंने लिखा हुआ है कि क्रैब साइकिल के अंदर आप सबसे पहले ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो है आपका, जो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल इसलिए है क्योंकि अगर ऑक्सालो एसिटिक एसिड आपके पास नहीं होगा, अगर ऑक्सालो एसिटिक एसिड आपके पास नहीं होगा तो आप इस साइकिल को चला नहीं सकते, तो क्योंकि ऑक्सालो एसिटिक एसिड अगर नहीं होगा तो ये साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगा। That means कि oxaloacetic acid के साथ acetyl coenzyme combine करता है, hence it is the first member of the cycle. और first member of the cycle जब combine करता है, तो उन्होंने लिखा है कि condensation होता है, और वहीं पर एक water molecule भी चाहिए होता है, और इस condensation के लिए जो enzyme चाहिए, वो citrate synthase चाहिए, मैंने बताया था आपको पीछे कि citrate synthase जो है, उस enzyme के presence में ये citric acid बनाएगा, and this citric acid isomerizes to form isocitric acid. और ये isocitric acid जो बनेगा, उन्होंने लिखा है कि इस isocitric acid के अंदर दो successive decarboxylations होंगे, एक तो decarboxylation यहाँ पर होता है जब alpha ketoglutarate acid succinyl, alpha ketoglutarate acid succinyl को enzyme में change होता है, दूसरा जो है आपका oxaloacetic acid जब convert होता है alpha ketoglutarate acid में, तो ये दो सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशंस की वो बात करते हैं, और इन दो सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशंस के दौरान ही एक यहां पर आपने देखा कि NADH2 का फॉर्मेशन होगा बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और दूसरा NADH2 का जो सिंथेसिस होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि उसके बाद आप जब सक्सिनाइल को एंजाइम को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर उन्होंने बोला कि एक ATP which is in the form of GTP इसका सिंथेसिस होगा, और फिर उसके बाद सक्सिनिक एसिड को फ्यूमैरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यहाँ पर FADH2 का सिंथेसिस तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ आप ये देखते थे कि यहाँ पर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था, दैट एंजाइम वाज स्पेसिफिकली और वाज लोकेटेड इन टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर है। उसके बाद फ्यूमैरिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड बना देता है, एंड दैट मैलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रैब साइकिल। ठीक है, अब क्रैब साइकिल में जो अपने पास प्रोडक्ट्स बने हैं, दैट इज FADH2 एंड NADH2, मेनली हम उनकी बात करेंगे। तो जो FADH2 और NADH2 बने हैं क्रैब साइकिल में, अब इनको हम लेके जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी आउट करेंगे। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा
एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं, दैट मींस कि उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, और उस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से देखेंगे किस तरीके से एटीपीज वगैरह एटीपी बनता है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, तो उस ग्लाइकोलाइसिस का एक रफ आइडिया हमने दिया था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज एंटर करता है, ग्लूकोज एंटर करने के साथ साथ वो जो एंड प्रोडक्ट बनाता है दैट इज द पाइरूविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और उस पाइरूविक एसिड के बनने के साथ साथ वहां पर हमने देखा था कि दो मोल एटीपी के भी बनते हैं और दो मोल एनएडीएच2 के भी बनते हैं, लेकिन अपने को क्योंकि जो अपना हेडिंग था दैट वाज फेट ऑफ पाइरूविक एसिड, तो अपन मेनली कंसर्न्ड थे पाइरूविक एसिड की, इस पाइरूविक एसिड का क्या होगा, तो मैंने बताया कि पाइरूविक एसिड के का क्या होगा ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो कि सेल टाइप कैसा है और दूसरा कि कंडीशन क्या है, इधर इट इज एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, तो जब कभी एरोबिक कंडीशन होगा दैट मींस कि यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो अगर यूकैरियोटिक सेल है एरोबिक कंडीशन के साथ साथ दैट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो पाइरूविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंटर करेगा एंड इट विल परफॉर्म अ लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन के बाद इट विल अंडरगो क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन है या फिर सेल्स ऐसे हैं जिसमें कि एनएरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स हों पर फिर भी अगर एनएरोबिक कंडीशन है, तो उसमें हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन होगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली फर्मेंटेशन पर जिक्र करेंगे, फर्मेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिंक रिएक्शन क्या होता है, तो लिंक रिएक्शन के हमने अलग अलग नाम लिखे कि लिंक रिएक्शन को हम गेटवे भी बोलते हैं, उसके अलावा हम उसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, उसके अलावा हम उसको क्या कहते हैं आपको एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उसमें मेनली होता क्या था, तो अपने को जो पाइरूविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बना वो क्या कर रहा था, कोएंजाइम ए और एनएडी प्लस के साथ कंबाइन करके वो NADH2, CO2 और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा था, एंड द कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड वर मैग्नीशियम आयन, ठीक है, TPP, थायमिन पाइरोफॉस्फेट और साथ में लिपोइक एसिड, NAD+ एंड कोएंजाइम ए। ठीक है, लिंक रिएक्शन करने के बाद जो अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता था, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता था, क्रेब्स साइकिल में जब वो एंटर करता है तो ऑक्सालोएसिटिक एसिड प्लस वाटर के साथ कंडेंसेट होता है, कंडेंसेशन के दौरान वो एंजाइम जो यूज होता है वो सिट्रेट सिंथेसिस होता है और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड दैट सिट्रिक एसिड जो है उसी के बेसिस पर हम इस साइकिल का नाम रखते हैं, दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और C6 साइकिल, बिकॉज़ इसके जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज द सिट्रिक एसिड, वो 6 कार्बन का एक कंपाउंड है और उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, हेंस इट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लुटामिक एसिड बनाता है, और इन्हीं दो स्टेप्स में जब हमने देखा कि ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लुटामिक एसिड में, तो वहां पर एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और अल्फा कीटोग्लुटामिक एसिड जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, एक डीकार्बोक्सिलेशन वहां पर होता है। तो एनसीईआरटी आपकी ये दो सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशंस के बारे में जिक्र करता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्फा कीटोग्लुटामिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, तो उसके अंदर थोड़ी कोएंजाइम ए टेंपरेरली अटैच हो गया था, उसको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमने उसकी एनर्जी को यूज करके एक जीटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया, और वो कपल्ड फॉर्म में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करता है मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, सक्सिनिक एसिड फिर फ्यूमारिक एसिड में कन्वर्ट करता है, एंजाइम जो यूज होता है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाद बाकी सारे के सारे एंजाइम्स जो है मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूमैरिक एसिड आपका बना दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, उसके बाद आपने देखा कि मैलिक एसिड जो है वो अगेन डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक NADH2 को बनाते हुए ऑक्सालोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब आप लास्ट में पढ़ेंगे तो नीचे से आप पांचवी लाइन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो वहीं पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ये मैलिक एसिड ऑक्सालोएसिटिक एसिड है इसका बनना जरूरी है अगर साइकिल को आप कंटिन्यू रखेंगे, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो सिट्रिक एसिड साइकिल है, सिट्रिक एसिड है, पर ऐसा नहीं है, सिट्रिक एसिड इज नॉट द फर्स्ट मेंबर बट इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, बट नॉट द फर्स्ट स्टेबल, नॉट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या क्या आउटकम्स हैं, तो इसके अंदर आउटकम्स में हमने देखा कि एक एसिटाइल कोएंजाइम के एंटर करने पर क्रेब्स साइकिल एक बार चलता है और उसके दौरान 3 मोल जो है वो NADH2 के, 2 मोल जो है वो CO2 के, 1 मोल जो है FADH2 का और 1 मोल जो है वो ATP का फॉर्म होता है। ठीक है, और क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ने 2 मोल बनाया है क्योंकि पाइरूविक एसिड 2 मोल था, तो इस वजह से ये क्रेब्स साइकिल हमारा 2 बार चलेगा, कब, जब ग्लूकोज एंटर करेगा इनटू द मेटाबॉलिक पाथवे, और अगर आपने पाइरूविक एसिड को यूज करके और अगर मेटाबॉलिक पाथवे कंटिन्यू करवाया है दैट मींस
there will be only the running of one times of the cycle. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर किसी को कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच.